26 मई की सुबह लगभग 8:45 पर कक्षा 10 की छात्रा अनन्या अपने घर से कुछ दूर स्थित सनबीम स्कूल के लिए निकली। परिजनों की माने तो विद्यालय से फोन आने के बाद अनन्या स्कूल गई। लगभग 10 बजे के बाद उनके पास फोन आया कि अनन्या स्कूल के झूले से गिर गई है और उसे चोट आई है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। परिजनों का दावा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद अनन्या की मृत्यु के बाद तक स्कूल मैनेजमेंट फोन कर लगातार कहते रहे कि अनन्या झूले से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अनन्या को जितनी चोट आई थी उसको देखते हुए परिवार वालों को कई आशंकाएं थी। 1 से 1.5 फुट ऊंचे झूले से गिरकर 10 की छात्रा को इतनी चोट कैसे आ सकती है? परिजनों के मन में यही सवाल था, क्योंकि अनन्या के चेहरे आंख के साथ एक हाथ भी घूमा हुआ था और पैर का कूला भी पीछे से घूमकर आ गया था। लेकिन बाद में स्कूल का 9:39:16 का एक CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें अनन्या स्कूल की 3 मंजिला छत से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। अनन्या के पिता सरकारी कर्मचारी हैं और मां अध्यापक। घटना के समय मां मायके गई हुई थी और पिता घर के बाहर थे। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पिता और परिजन मोहल्ले वालों के साथ बच्ची को लेकर अलग अलग हॉस्पिटल दौड़ते रहे। अयोध्या शहर के एक अंतिम हॉस्पिटल जहां उसे ले जाया गया था, बच्ची ने लगभग शाम 5 बजे अंतिम सांस ली। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर स्कूल प्रबंध तंत्र में छात्रा के स्कूल से गिरने की बात पहले क्यों की? CCTV फुटेज सामने आने के बाद अपना बयान क्यों बदला? जिस जगह अनन्या गिरी थी वहां पर उसके रक्त को धुलकर घटना स्थल के साक्ष्य मिटाने की कोशिश क्यों की? स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर परिजन सीधा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना अयोध्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ये प्रकरण थाना कोतवाली कैंट के अंतर्गत सनबीम विद्यालय का है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे के लगभग एक बच्ची जो कक्षा 10 में पढ़ती थी छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया, उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पर आए, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्ची है उसकी माँ अभी बाहर है, घर आने वाली है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और जो साक्ष्य हैं CCTV कैमरे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उनके आधार पर सही इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लगता है कि जो स्कूल ने बताया वो सच नहीं है? स्कूल ने हमसे जो बताया कि झूले से गिर गई थी और झूले की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट है और बिटिया हमारी टैंक में लंबी भी ठीक ठाक हमारे तरीके लंबाई होगी, हमसे थोड़ी छोटी होगी। जब वो गिरी वहाँ तो पहली बात झूले से गिरने पर इतनी चोट लगी नहीं सकती। यहाँ पे मतलब पीछे वाला कूल्हे का पोर्शन चलाया आगे, और प्रिंसिपल ने बताया हमें कि झूले से गिरी है, लेकिन जो वीडियो फुटेज में पता चला है कि वो छत से फेंकी गई है। उसके बाद उन लोगों ने पूरा उसको साफ कर दिया है, साफ करने कोई मतलब नहीं था। और प्रिंसिपल और मालिक ब्रजेश यादव हम लोगों को मैनेज करने में शुरू से आखिरी तक जुटे हुए थे, मतलब सिंपैथी में ले ली कि कुछ नहीं हुआ, झूले से गिरी। लेकिन जब आखिरी में देखा गया तो मालूम चला झूले से गिरी ही नहीं, उसको छत से फेंका गया है। हत्या हुई हमारी बिटिया के साथ, कुछ गलत हुआ है इसमें। अभिषेक कनौजिया ब्रजेश यादव प्रिंसिपल का अहम रोल है। ये सब लोग लीपा पोती करने के लिए हम लोगों के साथ मैनेजमेंट कर रहे थे, पूरे अस्पताल सबको मैनेज कर रहे थे। प्रिंसिपल का नाम क्या है? रेशमा भाटिया। वो तो बहुत तगड़ी मैनेजमेंट करता है। वो हटी नहीं। हम कार्रवाई चाहते हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो, हमारी बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ है। आप बाकी जान रहे हैं, बाकी जांच में सामने आएगा, जांच का विषय है। ब्रजेश यादव अभिषेक कनौजिया गेम टीचर इसका अहम रोल है और प्रिंसिपल मैनेज करने की ड्यूटी थी, इसका भी रोल, इसको सारी जानकारी है इसको। हाँ, हमारा नाम है मनोज कुमार श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव, मैं बाबा हूँ।